सीक्वेंस ऐसा है कि जैसा कि सब आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने एक ठाकुर है बलवंत उनकी वाइफ को गाड़ी खींचे उछल दिया और मैं फंस गया उसमें। तो ये कोर्ट केस है विराट, ये केस आईने की तरफ से साफ है। उस पर मुलजिम दिग्विजय सिंह ने अपना जुर्म कबूल किया। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, मुलजिम ने किसी दबाव में आकर अपना गुनाह कबूल किया है, पर प्रोसिक्यूशन अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। हर कर्म के पीछे कोई वजह होता है, कोई मोटिव होता है, इरादा होता है, और दिग्विजय सिंह ने पहले से इरादा बना लिया शकुंतला देवी का कत्ल करने। सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे लगता है कि अमोली ने मारा उसको, इसलिए वो मैं इल्जाम अपने ऊपर लेता हूँ, और अमोली को सच्चाई पता चल जाती है कि मैंने नहीं मारा। फिर वो सबूत इकट्ठे करने जाती है और उसे पता चलता है कि बलवंत ने ही ऐसा किया है। अब ये साबित हो चुका है कि असली कातिल ठाकुर बलवंत जी, मेरे पति ठाकुर दिग्विजय सिंह, ये दोष। फिलहाल तो यही है कि एक आशा की किरण दिखी है दिग्विजय को कि अमोली के एटलीस्ट वो नफरत नहीं कर रही है, प्यार भले ना करती हो लेकिन नफरत नहीं कर रही है, तो एक रे ऑफ होप है वहाँ दिग्विजय के लिए कि शायद फ्यूचर में प्यार हो जाए। हाँ, वो मैंने गलत बयान दिया था क्योंकि मेरी गलत फहमी है, लेकिन जैसे अब तो साबित हो चुका है। ए, चुप कर, चुप कर, मारा लूंगा तेरे को, छोड़ूंगा।